भी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं जामा मस्जिद के। तो आप देख सकते हैं पीछे एक हॉल है और यहाँ पर लोग वजू करते हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो अभी जो है ना दोपहर के तकरीबन एक बजने वाले हैं, शायद पौने एक बज रहा है। तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, और मैंने साहिल को भी कॉल की थी, हमने बात की थी कि हम कहीं पर चलेंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो कोई जगह मिली या नहीं मिली कोई? अभी ढूंढ ही रहा हूँ। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी अच्छी प्लेस है वैसे। हाँ, वैसे स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, स्पोर्ट्स के लिए भी है। अक्सर दफ़ा यही होता है कि हम जब बाहर निकल तो जाते हैं कि फिर सोचते हैं कि जाना एग्जैक्टली हमें कहाँ पर है। क्योंकि हमारे जो मेन प्लानिंग है ना वो बन रही है कि जामा मस्जिद जाएंगे मेट्रो से ही। सो चलते हैं अभी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी हम मेट्रो से ही जाएंगे, और यहाँ पर मैं मज़ीद वीडियो जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा ब्लॉग यहाँ पर, क्योंकि अलाउड नहीं होती ना मेट्रो स्टेशन में। तो इसलिए अभी मैं जैसे आगे जा रहा हूँ तो इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, और फिर हम आगे जब मेट्रो स्टेशन से उतर जाएंगे तो उसके बाद में हम दिखाएंगे। सो अभी हम जो है ना मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जोहर का वक्त हो रहा है और जोहर की नमाज़ अभी तक हमें नहीं पढ़ी है। तो नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं बहरहाल कहाँ जा रहे हैं? जामा मस्जिद। हाँ, तो जामा मस्जिद में सबसे पहले तो हम नमाज़ को पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जो है कहाँ जाएंगे। तो अभी हम जो है ना ऑलमोस्ट आ चुके हैं जामा मस्जिद, और सामने ही जामा मस्जिद है। अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं जामा मस्जिद के, और यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा है। काफ़ी यहाँ पे भीड़ तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी बाहर भीड़ हो रही है। आज का पत्थर भी गर्म नहीं है, वरना पिछली बार आया था बहुत ही ज़्यादा गर्म था यार, पत्थर पैर में रखे जा रहे थे मेरे पास। वो ऐसा है ना कि अभी टेम्परेचर क्योंकि थोड़ा तब्दील हो रहा है, और वो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर इवन अभी ख़त्म होने वाला है, तो अभी ठंड के काफ़ी करीब है ना। बाकी बच्चे भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और तो जब ये बताओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो भी नमाज़ पढ़ लेते हैं ना पहले? हाँ इंशाल्लाह, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, देन उसके बाद देखते हैं जो भी करना है। हाँ, तो आगे इसके लिए वज़ू कर लेते हैं। वज़ू हौज से करेंगे फिर टंकी से करेंगे? हौज से कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है खासकर मैं नहीं करने वाला हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, मतलब क्यों, क्या दिक्कत? इसमें ही वो कुल्लिया करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा फील अच्छा नहीं आता उसमें। तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको अपना भी बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो टंकी अभी जो है इधर की तरफ है, तो हम उधर ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। What a pleasant surprise. पानी नहीं आ रहा गैस में? नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घूम रही है। सो अभी जब मैंने बोला था कि हौज में नहीं करूँगा वज़ू, तो वहाँ पर जो है ना हुआ ये कि टंकी में पानी नहीं आ रहा, तो मजबूरन हमें हौज पर ही जाना पड़ेगा। हमारे साथ प्रैंक हो गया। तो हौज पर ही करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी पाक तो होता है, बस मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा था कि मेरा दिल नहीं करता। तो ये है वो हौज जिसकी मैं आपको अभी बात बता रहा था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हौज है, और यहाँ पर लोग वज़ू करते हैं बेसिकली। तो अभी हम भी यहाँ पर वज़ू करने वाले हैं। सो नाउ इज योर टर्न। मैं वहीं करूँगा। मैंने जो ना अभी मैं यहाँ पर वज़ू नहीं करूँगा, मैंने आपसे बोला था ना, तो इसमें मुझे अभी जब वज़ू करने बैठा तो मुझे कुछ डस्ट नज़र आ रहे थे इसमें पानी में, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर वज़ू नहीं करूँगा। और नॉर्मल जो टंकियाँ हैं ना वहाँ पर वज़ू करेंगे। पहले हम वहाँ पर ही गए थे, लेकिन फिर वज़ू हमने इसलिए नहीं किया वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर कुछ ख़वातीन थी मौजूद, तो अच्छा नहीं लगता उनके साथ में जो है ना वीडियो जो हम रिकॉर्ड करते, तो शायद वो कुछ एतराज़ कर सकती थी। इसलिए हम वापस यहाँ आए थे, और अब यहाँ से मैं वापस वहीं जा रहा हूँ क्योंकि जाने वाली है ना। मैं यहाँ पे वज़ू करने आया हूँ, हालांकि पानी पीने का है लेकिन वज़ू कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर टंकी में पानी नहीं है और हौज में मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा करने को, तो मैं यहाँ पर वज़ू नहीं करूँगा।
मिला, सो आई हैव डन। अच्छा, एक नॉर्मल मेरा सवाल था, उसको बहुत पर्सनल मत लेना, लेकिन सवाल ये था कि अगर जामा मस्जिद में आना औरतों का अलाउड है, तो फिर बाकी मस्जिदों में औरतों का आना क्यों अलाउड नहीं है? ये आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ना कि क्यों अलाउड नहीं है बाकी मस्जिदों में आना, क्योंकि ये भी मस्जिद ही है ना और वो भी मस्जिदें ही हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं आ सकती और यहाँ पर क्यों आ सकती हैं? और लास्ट टाइम भी हमने ये क्वेश्चन करा था, आपको भी याद है? हाँ, जिसको मैंने ना पार्ट नहीं बनाया था अपने ब्लॉग का, तो इसलिए आपके सामने वो पेश नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे तो लगता है और जहाँ तक मेरी स्टडी है दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, कि इस्लाम में तो कोई बैरियर्स नहीं है कि औरतों को नहीं जाने दिया जा सकता मस्जिद में, उनके लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, जबकि ये जामा मस्जिद में जो है ना सेपरेट जगह भी नहीं है औरतों के लिए, जो कि सही नहीं है। औरतें और आदमी मिक्स बिल्कुल गैदरिंग करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये सब चीज़ें अलाउड हैं। तो सवाल ये है कि अगर इसमें आ सकती हैं जामा मस्जिद में अगर औरतें आ सकती हैं, तो बाकी मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती? पहले अभी नमाज जो है ना जोहर की पढ़ ली है, और हम अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी कि हम कुछ खाने वाने जाएंगे बाहर, हम सोच रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक शख्स थे, एक भाई थे, उनका एक बैग था, जो उन्होंने वो हमसे बोल कर गए कि आप जो है ना मेरे बैग का ध्यान रखना, तो उनका बैग ये रखा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात जो है ना वो ये है कि वो भाई अभी तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो आ नहीं रहे हैं, और हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो जब यहाँ पर आएँ तो फिर हम यहाँ से जाएँ, क्योंकि हमने ये ज़िम्मेदारी जो ली है तो इसको तो पूरा तो करना पड़ेगा ना। वादा जब कोई करता है ना मोमिन, तो मोमिन की सिफात है कि वो वादे को पूरा करता है, और मुनाफिक की एक पहचान है कि वो जब वादा करता है तो उसको तोड़ता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट जो है 3:30 बज रहे हैं ना अभी। हाँ, तो 3:30 बज रहे हैं अभी। रियली इतनी भूख लग रही बहुत तेज, क्योंकि सुबह से यार नाश्ते के बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने, तो अब देखते हैं भाई कब आते हैं, और उन भाई का ही ज़्यादा वेट हो रहा है, वरना भूख तो बहुत तेज़ हो रही है। इनके इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे आई डोंट नो, अभी तक पता नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो कब आएँगे, और पता नहीं। एक गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, कि भाई जो है ना वज़ू करने तो गए थे, लेकिन वो नमाज़ पढ़ रहे थे हमारे बिल्कुल करीब में ही, तो ये हैं वो भाई जो वो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और बोला कि इन्हीं का ही बैग है, तो मैंने इनको देखा नहीं था, पीछे से देख रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि वही शख्स है जो भी बोल कर गए थे। तो भाई, ये भाई है ना कश्मीर से, आपका नाम क्या है? मोइन। अच्छा, मोइन भाई, ये आप चार लोग आए हैं ना तकरीबन, ये चार लोग हैं ना फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे यहाँ पर, तो अभी इनसे इस तरह से रابطہ हुआ, तो ये भाई ने भी चैनल वगैरह भी देखा और सब्सक्राइब भी किया था उन्होंने, जजाकल वगैरह। सो इन्होंने भी बोला, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया, कि उन्होंने बोला कि कश्मीर कभी आएँ तो मतलब इनसे रابطہ कर सकते हैं। तो अभी जो है ना फाइनली हम जा ही रहे हैं बाहर, कितने बजे गए होंगे अभी? समथिंग चार बजने वाले होंगे, और देखो अभी तक हमने खाना नहीं खाया, मतलब दोपहर का खाना नहीं खाया, तो बाहर ही चलते हैं ना, आप चलिए। हाँ, मतलब वैसे भूख लग रही ज़्यादा। या फिर दही बड़े या बिरयानी? आई थिंक पहले बिरयानी, फिर उसके बाद दही बड़े, तो यही सही रहेगा हमारे लिए। पहले हम खाएंगे बिरयानी, देन उसके बाद दही बड़े। चले फिर आप। डालो बिस्मिल्लाह। इसकी तरफ दिखाना। आजा लजीज़। मैं भी फाइनली खाई लूँ, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। एक प्लेट देने के किया हुआ है।
लगने में दिखने में अच्छा भी दिख रहा है वैसे भी। बैठ यहाँ पर यार, बैठ देखते हैं। Very nice. बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया ना ये, बहुत ज़्यादा मिर्ची देख ही सकते हो, ज़्यादा मिर्ची है। बस 800 रुपये की दे दी थी इन्होंने, तो बाद में नमक डाले ना इसमें, वो नमक नहीं था उसमें, नमक मिर्ची पता नहीं कौन कौन सा मसाला था, वो इतना स्पाइसी है ना कि लिटरली मेरी जैसी आवाज़ें सुनी। सो अभी जो है ना, ये दही बड़े खाने के बाद में एक चीज़ बड़ी बुरी हुई कि वहाँ पे पानी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी, इवन वहाँ पे हाथ धोने का भी पानी नहीं था। तो अभी मैं सोचा था कि कुछ ठंडा कुछ पी लेते हैं ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। तो 35 हज़ार लग गया था पूरा। इसमें भाई दोनों आइस डाल रहे हैं और आइस दोनों में रुक गए थे, मत उठा आइस। अभी ये डल गया मिक्स मसाला। मिक्स मसाले आप बना कर लाते हो अपने घर से? अच्छा, बढ़िया होने वाला है ये। देखो ये ये था एक्शन। तो ये है लेमन सोडा है ना भैया? अच्छा, ये ओवरफ्लो हो गया आपका फेस आ रहा है। अब इसमें आ रहा है भैया क्या है? ये है मीठा, मीठा पानी। ओ भाई, इनका तरीका बहुत अच्छा है। तो अभी भैया ने इसमें मीठा पानी, बर्फ और बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, और जो स्पेशली वो जो घर का मसाला था ना, वो देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। तो मीठा पानी ने डाला ना ऊपर से, वो अलग सा लग रहा था लेकिन वो मीठा पानी है, और साथ में इसने लेमन सोडा डाला, लेमन को अलग से भी डाला और लेमन का सोडा भी डाला। तो अभी जो है ना रेडी है वो गिलास बिल्कुल, तो देखते हैं स्पीकर कैसा इसका टेस्ट है। अच्छा, इसको अभी ये मिक्स कर रहे हैं ना। देखने में ना इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इस टाइम मिर्चें भी इतनी लग रही है ना मुँह में, और पानी नहीं दिया था हमने, वो इतना स्पाइसी, बहुत स्पाइसी, वो क्या था वो दही बड़े, उसको खाने का पानी नहीं पिया, तो डायरेक्ट जो है इतने टेस्टी जो है ना, अभी हम पीने वाले शिकंजी, तो बहुत अच्छा फील आ रहा है। तो उसको पी के देखते हैं क्या टेस्ट है। सही बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आया मुझे पीकर, पहले घुट में ही इतना रिलीफ फील हुआ ना, मतलब इतना ठंडा ठंडा और इतना मीठा, बहुत ही टेस्टी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं भी ट्राई कर ही लूँ। रियली अमेजिंग यार, इनका जो सबसे पहला जो इनका मसाला है ना घर का, रियली काफ़ी अमेजिंग है। सो अभी जो है ना असर का टाइम हो गया था, तो अभी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम वापस से मस्जिद के अंदर आ गए, जामा मस्जिद में, और असर पढ़ने के बाद में बाहर निकलेंगे। तो ऑलरेडी जमात चल रही है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, उसके बाद फिर वीडियो शूट करते हैं आगे। Dum 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 d
और राइट, सो अभी हमने जो ना असर की नमाज़ और जोहर की नमाज़ और खाना पीना सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब हम ऊपर आ रहे थे ना तो मुझे एक रबड़ी का एक स्टॉल लगा हुआ दिख रहा था, तो मैंने बोला भी था साहिल भाई से कि रबड़ी खाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि चलो बाद में खाते हैं जब वापस आएंगे, तो अभी हम वापस जा रहे हैं और सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो वापस हम जा रहे हैं रबड़ी खाकर, और अभी हम डायरेक्टली वहीं जा रहे हैं ना। हाँ, वहीं पर जा रहे हैं हम, और रबड़ी खाकर डायरेक्ट घर चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम दोनों ही, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती ही जा रही है जितनी रात हो रही है। ये क्या चीज़ है? ये जनाब दही बल्ला पापड़ी है। अच्छा, दही बल्ला पापड़ी। ये खीर है हमारे पास, ये है गुलाब जामुन, ये रबड़ी, और ये गुलाब जामुन है। अच्छा, 80 साल हो गए जी। हाँ, दादा से हमारे काम चला आ रहा है खीर के नाम से। तो आप किस टाइम पे लगा लेते हैं? हम तकरीबन 12 से लेकर रात के 9 बजे हमारी दुकान लगती है। खीर के नाम से मशहूर है मीना बाजार में। अच्छा अच्छा, पूरी पुरानी दिल्ली में खीर के नाम से हमारी दुकान है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि ये 80 साल हो चुके हैं शॉप को, और बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि बिल्कुल मेन जगह पर, जो पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है, और बिल्कुल उसके पास ही इनकी शॉप है। 12 बजे से दुकान लगाते हैं ना, उसके बाद में रात तक चलती है यहाँ पर दुकान, और अभी अंधेरा होने वाला है तो ये रात तक चलती रहेगी इंशाल्लाह। हाँ, भाई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एक खीर। अभी हमने जो ना रबड़ी और खीर दोनों चीज़ें ले ली हैं, तो मेरे पास जो मौजूद है ना, इसमें रबड़ी है और इसमें खीर है, तो पहले रबड़ी को टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर खीर को करेंगे, या पहले खीर को कर लेते हैं ना, पहले खीर को। हाँ, ये पकड़ दो आप। तो गाइस, ये अभी खीर में खाने वाला हूँ, और देखने में तो काफ़ी लजीज लग रही है माशाल्लाह। लिटरली सही बता रहा हूँ, इतनी टेस्टी है ना, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं रबड़ी खा रहा हूँ, मुझे खीर ही नहीं लग रहा। अभी मैं खा के आपको दिखाऊंगा रबड़ी। रबड़ी और खीर दोनों ही देखने में माशाल्लाह बहुत टेस्टी लग रही हैं, और खीर को तो हम रिव्यू कर चुके हैं, अब रबड़ी की बारी है। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। ऑल राइट, सो अभी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हम घूम भी लिए, खाना पीना भी हो चुका, नमाज भी पढ़ ली। अभी जोहर असर और मगरिब के बाद में अभी हम डायरेक्ट बिल्कुल घर जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द हो रहा है। सो अभी वापस चलते हैं और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जज़ाकअल्लाह खैरा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।